हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से वीकेंड आ गया है, जाते हैं एक नई जगह पे, मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं इंदौर का एक और अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप लोग चल सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, एम्बियंस एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। और ये हम लोग अभी जो जा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सा कैफ़े है, कैफ़े कम रेस्टोरेंट जो भी आप बोल सके, खाना वगैरह अच्छा है और काफ़ी मैंने तारीफ सुनी हुई है क्योंकि बहुत लोग ने ऑलरेडी इसका रिव्यू किया है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, आज देखते हैं कैसा है, आप लोग को भी दिखाते हैं और जैसे भी रहेगा बने रहिएगा चैनल पे ताकि और ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों को इंदौर के बारे में मिलते रहे। तो लेट्स कंटिन्यू, चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं और निकल चुके हैं अभी निपानिया तरफ से, आगे चलते हैं। कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हो वहाँ से। तो मिलते हैं पहुँच के। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आज के डेस्टिनेशन पे जो कि है द इलाहाबादी फाइन डाइन रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेस्ट्री द बेकरी वाला करके है इनका, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको मस्ट ट्राई है, अगर आप पेस्ट्रीज और कोई भी स्वीट्स के शौकीन हैं तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ का आप लोगों को मेन्यू कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग द इलाहाबादी का मेनू कार्ड, यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है और बहुत क्लीन और अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। तो रेट वाइज भी आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो ये देख सकते हैं यहाँ का एम्बियंस फुल कम्प्लीट जो था ना भरा हुआ था और सामने में एकदम बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आप इंजॉय कर सकते हो सॉन्ग्स वगैरह बैठे बैठे। और आ गया हमारा खाना, हमने मंगाया था यहाँ पे मुर्ग मलाई टिक्का जो थोड़ा सा स्वीटनेस में था बट अच्छा था टेस्ट में, और साथ में हम लोग को मायो और ग्रीन चटनी मिला था और पापड़ हमारा जो है मस्ट है। तो सबसे पहले हमने पापड़ ट्राई किया, पापड़ के साथ चिकन टिक्का ट्राई किया। स्टार्टर्स में आप लोगों को चिकन मटन जो कबाब है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो आपको जो भी पसंद है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन भी उतना ही खूबसूरत है, तो आप लोगों को देख के ही मन करेगा कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे। उसके बाद हमने मंगाया अपना मेन कोर्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं चिकन कितना ही टेंडर और जूसी है, खाने में मज़ा ही आ गया था। और उसके बाद आ गया हमारा मेन कोर्स, मेन कोर्स में हमने मंगाया था यहाँ पे चिकन मिर्च मसाला और नान और रुमाली रोटी। तो खाना काफ़ी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे इतनी सारी पेस्ट्रीज और डोनट की वैरायटी थी, आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। सो हाउ इज़ द फूड? द फूड वाज गुड, बहुत मज़ा आया। हम लोग हमेशा हम लोग साथ यही होता है कि कहीं और जाने के लिए निकलते हैं और पहुंचते कहीं और हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग कहीं और जा रहे थे और वी मेट एट प्रत्युष चौबीस। सो ठीक है, आज तो हम लोग इलाहाबादी गए, बहुत बढ़िया खाना, बहुत मजे से खाए, थोड़ा घर के लिए पेस्ट्री भी पैक कराए, तो ठीक है। पेस्ट्री वहाँ का बहुत अच्छा है, बेकरी वाला करके है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और वहाँ पे अगर आप चाहो तो बिल्कुल ऑर्डर जरूर कीजिएगा, बहुत ही यम्मी जो है ना केक आपको वहाँ पे मिलेगा, केक पेस्ट्रीज और खाना अच्छा है, बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।